यहाँ पे सभी अपने परिवार को स्वस्थ और हेल्दी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक थाली तैयार किए हैं जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त, और 40 मिनट के अंदर ये थाली हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है दाल, तो यहाँ मैंने अरहर की दाल लिया है। अरहर इस दाल को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने करीब 10 मिनट के लिए भिगा दिया था। तो भिगाने से ये इसकी कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने भिगा दिया था, भिगा के छोड़ दिया था। अब भिगाने के बाद ये देखिए फूल की दाल मेरी एक कटोरी फूल हो गई है। तो अब हम इसको कुकर लेंगे। कुकर में आज हम सब कुकर में जल्दी से बनाएंगे। कुकर में हमने डाल दिया है दाल। तो इसको डालने से जैसे हम दाल कुकर में डालेंगे उसके बाद हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल, कुछ मसाले ऐड करेंगे साथ में ही, जिसे और भी दाल ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे हमने लिया है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, कूटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है, बहुत देखने में भी बहुत अच्छे, जब देखने में अच्छी लगेगी तभी तो थाली खाने में मज़ा आता है। तो अब यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ा सा 1 इंच भर के हींग। यहीं पे डाल देंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया था, उसको काट लिया है पीसेस में। तो ये है कड़ी पत्ता, तो इसको भी हम यहीं पर डाल देंगे। तो काट के डालिएगा जिससे पता भी ना चले और सारा फ्लेवर भी एक साथ हो जाएगा। तो यहीं पे लिए हम धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती को भी मैंने अच्छे से धो के साफ करके काट लिया था, उसको भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा साइज के टमाटर, तो टमाटर को भी डाल दिया है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे नमक, तो नमक को भी डाल दिया है। नमक में मैं सेंधा नमक हमेशा यूज करती हूँ, तो सेंधा नमक ही डाला है। आप जो भी नमक यूज करते हैं उसको डालिए। फिर यही पे हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के हींग। तो चम्मच भर के क्या, जैसे आप जो चम्मच आप घर में डेली यूज करते हो छोटा चम्मच, बस उसी चम्मच से। इससे आपकी दाल उबलेगी नहीं, उबल के बाहर भी नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। एक कटोरी दाल में मैंने 3 ग्लास पानी डाला है। तो 3 ग्लास पानी डाल के हम इस दाल को अच्छे से चला देंगे। तो इसमें इस तरह से दाल बनाने से आपका समय भी बचेगा और दाल भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसमें ज़्यादा तड़का की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें प्याज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ हमने प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है। उसके बाद भी हमारी दाल बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी बनेगी। जब इससे आप दाल बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बस यहीं पे हम डाल देंगे अपना आम। तो एक आम को ज़रूर काट के डालिएगा, ये सीजन चल रहा है आम का। तो आम डालने से दाल जो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इस तरह से आप दाल बनाइए। अब हम तो कुकर बंद करके एक आम ही काट के डालिएगा, तो इससे बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। तो 4 सीटी लगाएंगे, 4 सीटी लगा देंगे फुल फ्लेम पे, और या फिर आप 3 सीटी भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बना लेंगे सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने भिंडी को और प्याज को एक साइज में काट लिया है। तो भिंडी को मैंने अच्छे से धो के साफ करके फिर उसका जो मॉइस्चर था, पानी था, उसको कपड़े से पोंछ लिया है ताकि उसमें पानी ना रहे। तो ये आप देखेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से भिंडी अगर सूखी रहेगी थोड़ी सी, उसका मॉइस्चर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो भिंडी आपकी आपस में चिपकेगी नहीं। तो लंबे पीसेस में काटा है क्योंकि इसका देखने से बड़ा अच्छा लगता है। थाली में जब आती है ये, तो देखने से भी ये थाली मज़ा आ जाता है, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो बस यहीं पर हम डाल देंगे मिर्ची को। मिर्ची मैंने 2-3 पीस मिर्ची ले लिया है बड़ी साइज़ में, उसको भी ऐसे लंबे आकार में काट लिया है ताकि पता ना चले किस में भिंडी और मिर्ची है। तो इस तरह से हम इसमें मसाले कुछ ऐड करेंगे, कुछ क्या, हम मसाले में कुछ नहीं ऐड करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे हमने लिया हल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि हल्दी बिना डाले सब्जी नहीं बनानी चाहिए। तो हमने यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, क्योंकि हरी सब्जी है तो हरी सब्जी में मसाले वगैरह नहीं होते। तो यहीं पे हमने डाल देना है थोड़ा सा हींग। तो हींग और हल्दी को भी हम यहीं पे डाल देंगे साथ में ही। तो हल्दी इसलिए डाला है क्योंकि हरी सब्जी बताया आपको, इसी वजह से। तो अब हम लेंगे कढ़ाई पैन। कढ़ाई में आप कढ़ाई जिसमें आप बनाते हो सब्जी, बस वही लीजिए। उसी में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल मैंने 2 चम्मच भर के डाला है, और छोटा चम्मच ही है, वही चम्मच भर के डाला है। तो ये जैसे थोड़े से तेल हमारा गर्म हो गया, अब ये तेल, यहाँ ध्यान देना कि तेल बहुत धुआंदार नहीं होना चाहिए, नहीं तो भिंडी की जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो बस हम थोड़ा ही जैसे हल्का से वो होने लगेगा, गर्म हो जाएगा, तो यहीं पर हम डाल देंगे जीरा। जीरा जैसे चटकने लगे तो तुरंत हम डाल देंगे भिंडी।
और प्याज को। यहीं पे हम भिंडी प्याज को साथ में ही डाल देंगे, जो मिर्ची काट के रखा है इसको अलग अलग हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये जैसे भिंडी हमारे भुनेंगे उसी तरह से हमें प्याज भी भून लेना है। प्याज को भी ज़्यादा क्रंची ही रखना है, प्याज को भी ज़्यादा जलाना नहीं है, इसलिए भिंडी और ये प्याज को हम साथ में डाल देंगे और हम अब इनको जलाते हुए थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे और कुक होने देते हैं। बस इसी तरह से हम इसको ढकेंगे नहीं, ढकने से क्या होगा, ढकने से आपकी भिंडी आपस में चिपक जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, इसलिए हमने ढकना नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि इसको क्यों नहीं ढकना है। तो इसलिए हमें अब इसको खोल के हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, तो ऐसे उलटते पलटते हुए थोड़ी देर ऐसे पका लेना है, जैसे आपकी भिंडी 70 से 75% हो जाए, वैसे ही हमें यहाँ पे थोड़े मसाले ऐड करने हैं। तो बस हमें अभी पकाना है। तो अभी हमारी ये देखिए, अभी थोड़ी सी हमारी भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो हमने ढका नहीं है, बिना ढके ही भिंडी को पकाना है। तो भिंडी जब भी आप पकाएंगे तो बिना ढके पकाइएगा, जब आपको लास्ट में इसको ढकना है। तो ये देखिए मेरी इतनी आराम से ये भिंडी पक गई है, आपस में चिपकी भी नहीं है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम यहीं पे थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो हमारी भिंडी एकदम अभी रेडी है मसाले लेने के लिए। तो अब हम यहीं पे डाल देंगे थोड़े से मसाले और भिंडी। देखिए इस तरह से भिंडी बनाने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन को भी क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, एक तो चौथाई चम्मच यहीं पर डाल देंगे हम थोड़ा सा मसाला। तो आप गरम मसाला या फिर आप सब्जी मसाला, मैं हमेशा सब्जी मसाला के यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने सब्जी मसाला ही लिया है। तो इसको भी डाल देंगे, अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन से बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो उसके बाद हम डाल देंगे यहीं पे टमाटर, तो टमाटर भी भिंडी में डाल दीजिए। और टमाटर डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे एक सीक्रेट अपना आम। तो आम भिंडी में एक आम को मैंने आधे टुकड़े में काट लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, आधा आम यहाँ पे हम डाल देंगे। तो छोटे टुकड़े में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये भिंडी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। आप जब भी इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा तारीफ पाएंगे। तो ये देखिए फिर हमने डाल दिया है लास्ट में नमक। तो नमक को हमने लास्ट में क्यों डाला है, नमक को डालने से भिंडी गल भी जाती है जल्दी लेकिन चिपचिपी हो जाती है, इसलिए हम नमक को जब जैसे भिंडी हमारे भून जाएगी तब हम नमक को डालेंगे। इस तरह से हमारी भिंडी भी बहुत अच्छी बनेगी और हमें चिपचिपापन भी नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप नमक डालने के बाद थोड़ी देर ढक देंगे, ढक के हम करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, मीडियम आँच को मीडियम पर रखेंगे। अब हमारी भिंडी एकदम तैयार है, ये देखिए एक दूसरे पे चिपकी भी नहीं है और देखने से भी कितनी अच्छी लग रही है। तो देखने से ही अगर थाली अच्छी लग जाए तो भूख बढ़ ही जाती है, भूख और खाने में भी तभी मज़ा आता है जब थाली देखने से अच्छी लगे। कोई भी चीज़ हो देखने से अच्छी लगती है तभी खाना अच्छा लगता है। इस तरह से हम ढक के पका दें, अब ढक के छोड़ दिए हैं, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो भिंडी हमारी एकदम रेडी है, तो ये देखिए अलग अलग भिंडी हमारी एकदम तैयार है, अब बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो बस हम यहीं पे अपना भिंडी देखने के बाद ये हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिया की पत्ती। अब हमारी भिंडी तैयार है खाने के लिए। अब इसको किसी के साथ सर्व कीजिए, रोटी पराठा नान के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी दाल, दाल भी हमारी कुक हो गई है। तो दाल चेक करिए कितनी कलरफुल, कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए दाल को सारे मसाले इसमें जो हमने जो कुछ भी डाला था उसकी वजह से दाल हमारी कितनी कलरफुल, कितनी अच्छी लग रही है। तो आ गया ना मुँह में पानी इस तरह से दाल देखने के बाद। तो ऐसे अगर डेली अगर खाने में रूटीन में शामिल किया जाता है खाना, तो अपने आप ही भूख बढ़ जाती है और खाना खाने का मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए अब हम यहाँ पे हम एक छोटा सा तड़का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसमें हमने बताया कि प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है बिल्कुल भी, उसके बाद भी यह दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो अब हम यहाँ पे ढक देते हैं। अब यहाँ हम ले है तड़का पैन, तो उसमें हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। तो घी डालिएगा, घी से बहुत अच्छा, अगर घी नहीं है तो बटर डाल दीजिए, नहीं तो फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल मत लीजिएगा। यहीं पे हम डाल देंगे जीरा, जीरा डालने के बाद जैसे जीरा चटकने लगे हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया है। तो अब जीरा चटक गया है, तेल जैसे घी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे मतलब तेल ठंडा होने के बाद ही डालेंगे थोड़ा सा हींग। और हमने यहाँ पे लिया है सब्जी मसाला, तो मैं हमेशा बताया कि हमने हमेशा सब्जी मसाला ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहीं पे हम डाल देंगे सब्जी मसाला। और मैं यहाँ पे भूल गई हूँ लाल मिर्ची एक तड़के में दे देते, साबुत लाल मिर्ची। तो बस हमारा तड़का उसी में डाल के हम थोड़ी देर ढक्कन बंद कर देंगे, उसके बाद तब ढक्कन खोलेंगे ताकि सारी खुशबू दाल में
आ जाए। तो बस ये देखिए हमारी दाल बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से दाल, अरहर की दाल बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार होती है। तो दाल हमारी तैयार है, अब हम देख लेते हैं चावल। तो चावल को भी हम आज कुकर में पकाएंगे। तो चावल को मैंने धो लिया था, चावल मेरा वही रेगुलर का चावल है, कोई बासमती नहीं है। तो जो हम खेतों में ऐसे नॉर्मल सा चावल होता है वही चावल है, लेकिन इसको भी एक खिला खिला बनाने के लिए एक ट्रिक है, उसकी मदद से हम बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे। बहुत ही खिले खिले बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनेंगे। तो चावल को मैंने धो के साफ करके आधे घंटे के लिए मैंने भिगा दिया था, पानी उसका निकालने के बाद तवा ऐसे छोड़ दिया था, तो थोड़े भीगे भीगे हो जाए, पानी के साथ डालेंगे चुचपे हो जाएंगे, इसलिए पानी के साथ नहीं डालना है, पानी निकालने के बाद ही उसको छोड़ना है, तभी आधे घंटे छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद हमने ये कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो इसमें अभी हमको पानी ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि ये चावल ऑलरेडी भीगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जितना हमने पानी लिया है, जितना हमने चावल लिया है उसी हिसाब से हम पानी लेंगे, बस उतना ही हम पानी लेंगे। तो आपको अगर न समझ में आए तो आप इस तरह से उंगली डालिए, जितना आपका चावल हो उसके दुगना पानी हो, मतलब जितना चावल उतना ही पानी। फिर उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ये नींबू का रस। नींबू का रस डालने से एक तो आपस में चिपकते भी नहीं है, दूसरा ये आपके चावल जो है एकदम वाइट तैयार होते हैं, एकदम वाइट हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा नींबू का एक दो बूंद ही डालिएगा और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे दो चार बूंद देसी घी का या फिर रिफाइंड ऑयल का, और ढक के हम या फुल फ्लेम पे एक सीटी, फुल फ्लेम पे दो सीटी और थोड़ा सा मीडियम पे एक सीटी लगा के हम चावल तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा चावल भी बनके तैयार है। तो आपको दिखा रहे हैं ये हमारा चावल भी एकदम रेड, जैसे थोड़े और ठंडे हो जाएंगे और भी खिले खिले हो जाएंगे, तब एकदम गर्म है ये चावल। तो ये देखिए हमारे कुकर में भी बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन गए हैं, एकदम खिले खिले वाइट कलर के। तो चलिए चावल भी तैयार हो गया है, अब हम देख लेते हैं अपना रायता। तो रायता दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ये थाली में रायता पड़ने से आपकी थाली भी सज जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ये रायता एकदम अलग है, एकदम शादी वाला याद दिला देगा। तो ये रायते को बनाने के लिए हमने लिया है दही। तो मैंने 250 ग्राम दही लिया है, उसमें हमने लिया है कटोरी भर के बूंदी, उसी में डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स और एकदम थोड़ा सा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चौथाई चम्मच के करीब हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। फिर हमने डाला है नमक, नमक में मैंने सादा नमक और सेंधा नमक और मैंने काला नमक दोनों लिया है, इस तरह से उसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे यहीं पे काली मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे। इन सबको डाल के हम बस एक किसी के कलछी या किसी से भी जिस तरह से आप इस तरह से चला देंगे, जिससे आपकी ये जो दही है वो गाढ़ी है और ये जो हमने बूंदी डाला है ये भी पानी को अब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए हम थोड़ी देर इसको चला देंगे ऐसे, ताकि एक सार हो जाए और ये क्रीमी क्रीमी हमारी ये रायता बने। तो ये रायता एकदम ही ज़बरदस्त लगता है खाने में, और जैसे ही आप इसको खाएंगे, इस तरह से बना के अगर खाएंगे तो आप यकीन मानिए, जब जैसे आप होटल और रेस्टोरेंट या फिर आप शादी विवाह पार्टी में कहीं जाते हैं तो वहाँ ये खाते हैं, उसी तरह से तैयार होगा। तो इसके लिए एक हम एकदम सीक्रेट मसाला है, तो उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ डाल दिया 1 चम्मच भर के चीनी मिक्सर जार में, वहीं पर हम डाल देंगे 1 पिंच धनिया का, वहीं पर डाल देंगे छोटी छोटी 2 मिर्चें और 2 से 3 छोटी कलियां लहसुन की। ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डालने से कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा मत डालिए, अगर थोड़ा ही डालिएगा जिससे इसका फ्लेवर बस चेंज हो जाए, बस उसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, अब ढक्कन बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए तो हम इसको ग्राइंड करने के बाद इसी रायते में डालेंगे। तो ग्राइंड हमारा हो गया है, तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये हमारा देखने से ही अच्छा लग रहा है। तो हम ये जो रायते रखा था उसको हम इसी में डाल देंगे, ये खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा, एकदम शादी वाला टेस्ट आएगा जो हम शादी विवाह में खाते हैं। तो बस इसको हम डाल के थोड़ी देर चलाएंगे इस तरह से, और चलाने के बाद हम इसी में ये जो आपका अभी थोड़ा पतला लग रहा होगा लेकिन अभी भी गाढ़ा ही है, लेकिन ये और भी पानी जैसे इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो अब भी अब्जॉर्ब कर लेगा पानी, तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहीं से हम 8-10 आइस क्यूब्स डाल देंगे इस रायते में, ठंडी ठंडी एकदम सी रायता होने खाने के लिए एकदम ठंडा चील रहेगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है थाली के साथ। तो अब इसको अब ढक के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद अभी हम ढक देते हैं। तो जैसे हम ढक के 5 मिनट छोड़ेंगे तो ये पानी पूरा सोख लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो अब ये रायता मेरा एकदम ही गाढ़ा, इतना आइस क्यूब डालने के बाद भी एकदम गाढ़ा है रायता, आपको चेक कराती हूँ, आपको दिखाती हूँ।
यहीं पे हम डालेंगे थोड़ी सी पुदीना के पत्ती, 2-3 पत्ती ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तब भी अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ कम होती है तब भी नहीं अच्छा लगता, तो ज़्यादा होने से कोई चीज़ नुकसान भी करती है अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने एकदम काढ़ा रायता हमारा तैयार हो गया है, तो बस हमारा रायता खाने के लिए रेडी है थाली में जाने के लिए। तो ये सब देख के तो मुँह में पानी ही आ जाता है ऐसे, लेकिन अभी हम इसको और भी अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर से देंगे सजाने के लिए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची कूटी हुई। तो हमारा रायता भी रेडी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पनीर 2 प्याज़ा। तो इस थाली की जान, इस थाली की शान, पनीर की सब्जी। तो पनीर प्याज को मैंने ऐसे 4 टुकड़ों में काट के उसके लच्छे इस तरह से निकाल लिए थे। ये देखिए मैंने ऐसे बड़े बड़े साइज में काट लिया है। अब पनीर को भी इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक चॉपर। तो चॉपर में जो हमारे छोटे छोटे ये प्याज थे उनको हमने इस चॉपर में ही डाल दिया है। अब बड़े बड़े हमने उसमें रख लिया। मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए थे। तो अब यहाँ पे हमारा 250 ग्राम पनीर था, उसको भी मैंने बड़े पीसेस में काट लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टमाटर। तो टमाटर को भी उसी चॉपर में काट लेंगे। तो जिसमें मैंने प्याज डाला अब साथ में ही टमाटर और प्याज को हम चॉप करने से पीस जाएगा, लेकिन हमें इनको पीसना नहीं है, ऐसे चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस से क्रश कर सकते हैं, या फिर आप उसमें ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका जो देखने से इसका लुक आएगा वो ऐसे चॉपर से ही चॉप करते चॉप। अब फिर हमने उसको तैयार करके अब यहाँ पे लेंगे मसाला। तो यहाँ पे मसाले मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी सौंफ का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और नमक लिया है, और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट लिया है। तो सौंफ का पाउडर यहाँ पे ज़रूर लीजिएगा, सौंफ से इसका बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो हमने लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तेल मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है उसको डाला है, क्योंकि सरसों का यहाँ यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसी में हम इतने ही में ये बहुत ही ज़बरदस्त अपनी सब्जी तैयार करेंगे। तो जो मैंने प्याज काट के रखा था उसको हमने इसी में डाल देना है। तो प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं, पकाना नहीं है हमको, इसको सिर्फ सॉफ्ट होने देना है। तो जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हल्की सी गल जाएगी, क्योंकि इसका क्रंचेज बना रहेगा और तभी ये अच्छा लगेगा। तो आज जो हम पनीर 2 प्याज़े बना रहे हैं उसके साथ ये बहुत ही अच्छा। तो हमारी ये 1 मिनट बस भुनेगी, ज़्यादा हमें इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सॉफ्टनेस देनी है। इस तरह से हमने प्याज को निकाल लिया। तो देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब हम निकाल लेंगे सारे प्याज को एक प्लेट में। अब फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है, फ्लेम को मैंने धीमा नहीं रखा है। इस तरह से बहुत अच्छी कुकिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी ये सब्जी बन के रेडी हो गई। तो अब यहीं इसी तेल में हम डाल देंगे अपने पनीर। पनीर को भी हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो पनीर मेरा घर का ही था और मैं घर पे ही बनाई थी इसको दूध फाड़ के। तो फिर इसमें हम डाल देंगे अपना थोड़ा सा आधे 1 चुटकी भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी भर के सब्जी मसाला और 1 चुटकी भर के काली मिर्च का पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि इसका कलर देखने से ही जब अच्छा लगे कि तभी खाने में मज़ा आता है। तो बस इतना ही हमें डाल के और हल्का से इनको तेल में ही ऐसे भून लेना है, ताकि इसका भी थोड़ा जो मॉइस्चर हो ख़त्म हो जाए और हमारा ये पनीर भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो बस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त आया है। तो इस तरह से हम थोड़ा बस इतना सॉफ्ट करके हम इसको भी निकाल लेंगे। तो मैं हमेशा कुकिंग में अपने सब्जी मसाला ज़्यादा यूज करती हूँ, कोई भी ज़्यादा मसाले यूज नहीं करती हूँ। तो एकदम सिंपल सी थाली है। अब हम डाल देंगे यहीं पे इसी तेल में जीरा। तो जीरा 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे यहीं पे इसी। अब मैंने तेल ज़्यादा यहाँ नहीं लिया है उसी तेल में, मैंने अलग से तेल और ऐड नहीं किया है। अब हम यहाँ पे जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना उसको भी डाल देंगे। तो इसको डाल के हम थोड़ी देर ऐसे चलाएँगे, जैसे हमारा खुशबू आने लगी कि वैसे ही हम डाल देंगे मसाला। तो यहाँ पर हमने सारे मसालों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मसालों में मैंने सौंफ और गरम मसाला ही, बाकी जो भी आपके पास मसाला वही लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल देंगे, या तो आप पानी डाल दीजिए थोड़ा सा छींटे लगा दीजिए, नहीं मसाले जल जाएंगे, नहीं तो ये जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था मैंने उसको डाल दिया है। ये देखिए मैंने इसको भी डाल के अब अच्छे से भूनेंगे। तो मैंने पानी नहीं डाला था, यही डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है।
तो जैसे ये भुन जाएगा, हल्का फुल्का भुन जाएगा, तो तेल अगल बगल से दिखाई देने लगता है, तेल लेज होने लगता है और ये हमारा देखने से भी बहुत अच्छा लगने लगता है। और महक भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो सौंफ का खुशबू है भीनी भीनी वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो यहाँ पर हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे, टमाटर प्यूरी और कसूरी मेथी। टमाटर प्यूरी को, टमाटर को मैंने उबाल के पीस लिया था, तो बस वही है टमाटर प्यूरी, तो थोड़ा उसको डाल देंगे, तो इससे हमारा गाढ़ापन भी आएगा सब्जी में, थिकनेस भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखिए मैंने हो गया है अभी हमारा मसाला, अभी यहीं पे हम डाल देंगे लास्ट में हींग। तो हींग को भी हम लास्ट में ऐड करेंगे, इसकी जो खुशबू है ताकि बरकरार रहे, हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम ये मसालों को थोड़ी देर भूनेंगे, अच्छे से भून लेंगे कि जैसे खुशबू एकदम आने लगती है, जैसे आप घर में खड़े हो ना तो महक पूरे घर में आए, तभी तक जैसे ये थोड़ा भुन जाएगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपने पनीर और प्याज को। तो जो सॉफ्ट हो ही गए, कुक हो गया है, अभी हमको इनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इनको हम मिलाते हुए पूरे जो मसाले हैं इसमें पूरे में कोट कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब कलछी को ज़्यादा चलाइएगा मत, क्योंकि चलाने से ये टूट भी सकता है, इसलिए हमको इनको अच्छा सा लुक देना है। तो ये प्याज को हम अच्छे से, ये पनीर को, प्याज पनीर को हम अच्छे से मसालों में कोट कर देंगे। अब यहीं पे हम डाल देंगे तेज गरम पानी, आप चाहे तो अभी भी सर्व करने के लिए तैयार है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ढीला रखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेज़ गरम पानी, आधी गिलास पानी डाला है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा इनको नहीं पकाना है इसलिए, नहीं तो आप इस तरह से भी खा सकते थे। तो इस तरह से भी आप रोटी पराठा या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इस तरह से हम ढक देंगे और ढक के हम इनको 1 से 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर आँच देंगे। तो ये देखिए हमारा 2 मिनट से भी कम लगा है, क्योंकि सॉफ्ट थी ये पनीर, ज़्यादा पकाएंगे तो ये पक जाएगा ज़्यादा कच्चा, और ये प्याज भी ज़्यादा कुक हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा जो कि हम बनाना चाहते थे। तो हमें ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करें, इसलिए मैंने तेज़ गर्म पानी, इससे कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है, इसलिए तेज़ गर्म, अब फ्लेवर भी बहुत बरकरार रहता है, और ठंडा पानी देने से इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने और मसाले कुछ भी ऐड नहीं करना है, अब बस हमारी ये पनीर सब्जी बनके रेडी है, अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए रखते हैं एक प्लेट, अब प्लेट में हम अपनी पनीर को सर्व कर लेते हैं। तो आप इनको किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर आप चावल दाल के साथ, इसी के साथ भी बहुत ही, और या सफर में भी। तो यहाँ पर मैंने लिया है, पनीर हमारी तैयार है, अब हम बना लेंगे रोटी। तो रोटी के लिए मैंने आटा को, सॉरी उसके लिए मैंने आटा लगाना का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, तो आटा मैंने लगा के और थोड़ी देर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, तो इससे रोटी बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस हमने आटे को लगा के मैंने इस तरह से रोटियां बनाई, छोटी छोटी लोइयां बना के रोटियां बना ली हैं। ये रोटी आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी रोटी आप सुबह से शाम तक जब भी आप खाएंगे, जब भी निकालेंगे, आपकी रोटी हमेशा नरम लगे। तेज़ हीट में रखना है, तेज़ हीट में मैंने रख दिया है तवा, तो तवा को मैंने गर्म कर लिया है। तो अब इसको जैसे ये बबल्स ऊपर दिखाई देने लगे ना, उसके बाद ही हम रोटी को पलट देंगे। तो इसको बिगनर भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं इस थाली को, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, ये सब लोग यहीं सीखते हैं। तो इस तरह से हम रोटी को दोनों तरफ से पका के और अपने में इसमें हम गैस में रख देंगे, तो कितनी फूली फूली गुब्बारे जैसे एकदम सॉफ्ट रोटी हमारी बन के तैयार। इसी तरह से हम रोटी बना लेंगे। और फिर सीखने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती, जो लोग जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, मैं भी किसी से सीखी हूँ, अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी कुकिंग, मुझे कुकिंग का थोड़ा शौक था तो मैंने भी सीखा था इसी तरह से, और सब लोग भी इसी तरह से सीखते हैं, कोई भी सीख के नहीं आता है। तो बस उसी चीज़ को मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर यहीं पर हम सेक लेते हैं पापड़, पापड़ को भी मैंने फ्राई नहीं किया है, पापड़ सेकने से बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने पापड़ को भी यहीं पर सेक लिया है। सेकने से पापड़ बहुत ही अच्छा है, उससे थोड़ा तेल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अगर आपको ना अच्छी लगे डिसलाइक भी कर सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे में कमी क्या है। तो इस तरह से आप थाली बनाइए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको फर्स्ट में मिल जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि कैसे बने हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं कैसा बनाती हूँ, कैसा है। तो अब यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं अपनी थाली, तो आप इंजॉय कीजिए इस थाली को, और
अपने घर में डेली रूटीन में ये 30 से 35 मिनट में आपकी थाली तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से मेहमान हो या आपके घर में सबके लिए हो, इस तरह से आपकी बहुत जल्दी थाली बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी थाली बनके रेडी है, तो हमने सर्व कर दिया है। तो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो हमने पापड़ को भी रख दिया, एक गिलास पानी रख देंगे, हमारी थाली बिल्कुल रेडी है। ओके, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।